Hey guys, sir, I am Chainectic and welcome to Chainectic Gaming. जहाँ पर guys, आज अपन लोग बात करने वाले हैं top 5 Pokemon games और weekend से top 5 romance of Pokemon games in 2020. So guys, sir, further we do अपनी जो धमाकेदार वीडियो इसे start करते हैं धमाकेदार intro के साथ में. Pikachu, सब तैयार हो? सर, आप लोग अगर पोकेमोन गेम्स या फिर पोकेमोन एनिमे के फैन हो मेरी तरह, तो आप सबको पता होगा गाइस कि जो पोकेमोन की गेम्स होती है वो ग्राफिक्स पे नहीं, उसकी स्टोरी पे डिपेंड करती है. वैसी गाइस से अपन का जो पहले नंबर का गेम है उसकी ग्राफिक्स तो नहीं है, बट हाँ उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा औसम है. सो गाइस, इस गेम का नाम है पोकेमोन अनबाउंड एंड इस गेम में अपन को एकदम ही न्यू एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा. मतलब कि गाइस, अपन को इसके अंदर मिलेगा एक न्यू रीजन जिसका नाम है पोरियस रीजन. एंड इस गेम के अंदर पे गाइस अपन को जैन 1 से लेके जैन 7 तक के पोकेमोन का सपोर्ट मिलेगा, प्लस लेजेंडरी पोकेमोन को अपन बड़े ही इजीली कैच कर सकते हैं. इसी के साथ साथ गाइस अपन को कुछ और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड बैक स्पेस, आर्टियर रन, डेक्स नाउ, टेली रेट, इनवर्स बैटल एंड ऐसी बहुत सी फीचर्स जो अपन को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा औसम है. एंड गाइस, इस गेम की स्टोरी की अभी मैं बात करूँ तो नहीं, मैं स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा. आप जाके खुद एक्सपीरियंस करें इस गेम को एंड आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना इस गेम की जो स्टोरी है वो आपको कैसी लग गई है. तो गाइस, बढ़ते अभी अपने सेकंड नंबर के गेम की तरफ पे. गेम के अंदर पे गाइस आप उनको रेड की स्टोरी मिलती है. रेड की स्टोरी यार मेरी फेवरेट स्टोरी है. आप लोग बताओ आपको कौन से कैरेक्टर की जो स्टोरी है वो फेवरेट है. बट फिलहाल तो गाइस अभी आते हैं अपन गेम के तरफ पे. एंड इस गेम के अंदर पे गाइस, मैंने जैसे आपको बोला, इसके अंदर पे अपन को रेड की स्टोरी मिलती है, प्लस जैन 1 से लेके जैन 8 तक के सारे पोकेमोन का सपोर्ट. उसी के साथ साथ गाइस अपन लेजेंडरी से मिथिकल, मिथिकल से लेजेंडरी अपन सारे पोकेमोन कैच कर सकते हैं विद डायनामिक्स बैटल. इस गेम के अंदर पे अपन डायनामिक्स बैटल कर सकते हैं पोकेमोन के साथ में एंड अपन मेगा इवॉल्व पोकेमोन का भी मजा ले सकते हैं अपने राइवल टीम से बैटल करने के लिए. बट हाँ गाइस यार, इस गेम को खेलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गाइस मैं भी अभी तक इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ. बट आप लोग गाइस मुझे कमेंट में बताना कि आप में से कितने लोगों ने इस गेम को कंप्लीट करा है. तो गाइस बढ़ते अभी नेक्स्ट गेम की तरफ पे. गाइस सर, अभी मैं जिस गेम की बात करने जा रहा हूँ उस गेम का गेम प्ले देखकर अब सबके मन में एक बार तो आए होगा कि मुझे इस गेम को खेलना है. बट खैर, सो गाइस ये जो गेम है इसका नाम है पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू. इस गेम की फीचर्स की बात करें तो गाइस अपन को इसका जो स्टार्टर है वो पिकाचू एंड ईवी मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ऑसम पोकेमोन है. उसी के साथ साथ गाइस अपन को वाइल्ड पोकेमोन आउट ऑफ बैटल, यानी कि गाइस अपने जो वाइल्ड पोकेमोन होते हैं वो अपन को बाहर ही मिल जाते हैं, अपन को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. न्यू मैप्स, न्यू कैरेक्टर, मेगा इवोल्यूशन एंड गैलेरियन एंड अलोलियन फॉर्म. उसी के साथ साथ गाइस अपन को इस गेम्स में कुछ न्यू इवेंट्स भी मिलते हैं. मतलब कि आप समझ रहे हो ना, एक गेम कितना ज़्यादा तगड़ा है एंड कितना ज़्यादा औसम है. तो गाइस मैं तो बोलूँगा आप लोगों ने अगर गेम को नहीं खेला है तो आप खेल लो. मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोगों ने खेला होगा, बट ये 2020 का बेस्ट गेम था आई थिंक सो. एंड इसकी ग्राफिक्स भी औसम थी एंड गेम जो था वो बहुत तगड़े लेवल पर सेट था यार. मेरा मुझे भी पसंद आया था ये गेम एंड अभी फ़िलहाल तो मैं खेल ही रहा हूँ. बट सच्ची में ये जो गेम है मुझे पसंद आया था, इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज में. इंग्लिश लैंग्वेज में भी शायद से अवेलेबल है, बट मैं स्पेनिश में ज़्यादा प्रीफर करूँगा आप वही खेलना. सो या तो बढ़ते कैसे अभी अपने नेक्स्ट गेम की तरफ. ऐसे GBA के अंदर का सबसे तगड़ा गेम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है पोकेमोन एडवेंचर रेड चैप्टर. सो गाइस इसका जितना बड़ा नाम है उससे बड़ा गाइस ये गेम है, क्योंकि ऐसे इस गेम के अंदर पे अपन को मिलते हैं मल्टीपल रीजन्स, यानी कि अपन को 4 से 3 रीजन्स मिलते हैं जिसके अंदर अपन ट्रैवल कर सकते हैं. मतलब कि आप समझ सकते हो जो गेम है वो कितना बड़ा हो जाएगा. उसी के साथ साथ गाइस अपन को इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो एकदम ही तगड़े लेवल की मिलती है. मतलब कि मैंने खुद इस गेम को खेला हुआ है एंड पर्सनली गाइस मैं बोलता हूँ कि आप इस गेम को जरूर खेलना, क्योंकि ऐसे इस गेम के अंदर पे अपन को डे एंड नाइट का सिस्टम मिलता है. उसी के साथ साथ अपन को न्यू बैटल बैकग्राउंड्स भी मिलती है एंड गाइस फाइनली जिसके लिए अपन गेम खेलते हैं. इस गेम के अंदर पे गाइस अपन को 1400 एंड प्लस पोकेमोन एंड उसी के साथ में मेगा इवोल्यूशन एंड एक न्यू फॉर्म यानी कि फ्यूजन फॉर्म भी आपको इस गेम में मिलेगा. तो गाइस मैं आप सबको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप इस गेम को खेले, बड़ा ही तगड़ा गेम है. एंड लिटरली गाइस मैंने इस गेम को ना करीब करीब अभी कुछ ना
छः से सात दिन पहले कंप्लीट करा था। इसकी सीरीज मैंने बनाई नहीं है, बट लिटरली गाइस ये जो गेम है वो बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है एंड ऑसम गेम है यार। जितना आप इसके मिशन कंप्लीट करोगे उतना ही गाइस गेम में और ट्विस्ट आएगा एंड सच्ची में जो गेम की स्टोरी है वो भी टू ओपी है। मैं बोलता हूँ गाइस आप इस गेम को अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एंड लास्ट गेम की तरफ पे। सो गाइस अभी अपन गेम के एकदम ही लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं मारा है तो गाइस फटाफट से लाइक मार दो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मगर फिलहाल गाइस अपना जो लास्ट गेम है वो 2020 का सबसे बेस्ट गेम होना चाहिए एंड एकदम तगड़ा गेम होना चाहिए। उसी हिसाब से गाइस मैंने अपना लास्ट गेम चुना था पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड जीबी है, क्योंकि ऐसे इस गेम ने 2020 में एकदम तहलका मचा दिया था। एंड गाइस आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस गेम को खेला है, ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इस गेम को नहीं खेला, क्योंकि गाइस इस गेम के अंदर पे अपन को जेन 1 से लेकर जेन 8 तक के सारे पोकेमॉन मिलते हैं। उसी के साथ में गाइस अपन इस गेम में अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व प्लस जिगंटामैक्स एंड डायनामैक्स दोनों कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट था। एंड इस गेम की जो ग्राफिक्स है यार वो तो टू ओपी है। एंड गाइस स्पेशली मैंने अभी जस्ट इस गेम को एक या फिर टू वीक्स पहले कंप्लीट करा था एंड मुझे ये जो गेम है बहुत ज़्यादा ही ऑसम लगा था। इसकी स्टोरी लाइन तो आप सब लोग जानते हो कितनी तगड़ी है। उसी के साथ साथ गाइस अगर आपको इस गेम को खेलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस मैं आपको बोल दूँ इसका जो नेक्स्ट अपडेट है आई थिंक जो नेक्स्ट वीक या फिर दो तीन वीक के बाद में न्यू आने वाला है, जिसके अंदर पे गाइस आप खेलने वाला है इसाइल ऑफ आर्मर का अपडेट, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा गेम है। लेकिन फिलहाल गाइस अगर आपने इस गेम को खेला नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप खेल सकते हो। गाइस यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाई थी बेस्ट रोम हैक ऑफ 2020 वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, मगर गाइस यहाँ पे दो तीन गेम और छूट चुके हैं। उनमें से मैं एक बोनस गेम आपको बता सकता हूँ जिसका नाम है गाइस पोकेमॉन साइफ एंड इसका जो डेवलपर है वो है वेटरन, जो कि बड़ा तगड़ा गेम था। अगर आपने खेला नहीं तो जाके आप खेल सकते हो। इस गेम को मैंने ऑलरेडी खेला था बट इसकी सीरीज ज़्यादा बनाई नहीं थी, आप जाके उस गेम को भी खेल सकते हो जो कि टू ओपी गेम है। मगर फिलहाल गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में या फिर एक गेम प्ले के साथ में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।